उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 20 दिसंबर तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि 20 दिसंबर को जारी अंतिम आरक्षण की अधिसूचना के तहत अंतिम आदेश जारी ना करें। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 दिन का समय मांगा, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं। इससे पहले राज्य सरकार ने निकाय चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किए थे। कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने व सीटों के रोटेशन के मुद्दों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते हुए यह जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर DK उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई कर यह आदेश दिया है। इसी हफ्ते बुधवार को ही सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा देने के लिए कोर्ट से 3 दिन का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। बीते दिनों लगातार हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में UP निकाय चुनाव को लेकर हो रही सुनवाई पर बुधवार को जवाब दाखिल करने के लिए राज्य सरकार ने समय मांगा। OBC आरक्षण को लेकर निकाय चुनाव में जवाब देने के लिए यूपी सरकार ने 20 दिसंबर तक हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से समय मांगा है। हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर तक निकाय चुनाव के ऐलान पर रोक लगाते हुए जवाब देने का समय मंजूर कर लिया है। रायबरेली के रहने वाले याचिकाकर्ता वैभव पांडे ने OBC आरक्षण को लेकर अपनी आपत्तियों को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल किया है। वैभव पांडे की तरफ से रायबरेली में OBC आरक्षण लागू किए जाने का विरोध किया गया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि OBC आरक्षण लागू किया जाना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद पूरे मामले में यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया है। मामले में याचिका यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जब तक राज्य सरकार तिहरे परीक्षण की औपचारिकता पूरी नहीं करती, तब तक OBC को कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता, जबकि यह औपचारिकता पूरी किए बगैर सरकार ने अनंतिम आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी थी। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि 5 दिसंबर की अधिसूचना महज एक ड्राफ्ट आदेश है, इस पर सरकार ने आपत्तियां मांगी हैं, व्यथित अपनी आपत्तियां दाखिल कर सकता है। इस तरह अभी यह याचिका समय पूर्व दाखिल की गई है। इससे पहले राज्य सरकार ने 760 नगर निकायों में मेयर और चेयरमैन के लिए सीटों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी की थी। इनमें 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायत अध्यक्ष पर शामिल हैं। हालांकि सभी 760 नगर निकायों के लिए आरक्षण तय कर दिया गया है। लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद समेत मेयर की 8 सीटों को सामान्य रखा गया है। 2017 में ये तीनों सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं। प्रदेश सरकार ने नगर निकायों में मेयर व अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म होने की स्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक जैसे जैसे नगर निकायों में कार्यकाल खत्म होगा, उसी क्रम में प्रशासकीय व्यवस्था लागू होती जाएगी, यानी नगर निगमों में नगर आयुक्त और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारियों के पास सारा अधिकार चला जाएगा। निकायों के बोर्ड का कार्यकाल 5 साल के लिए निर्धारित होता है। 2017 में हुए निकाय चुनाव का परिणाम आने के बाद बोर्ड का गठन 12 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच हुआ था। इस लिहाज से मेयर व अध्यक्षों का कार्यकाल उस तिथि को समाप्त होगा जिस दिन बोर्ड की पहली बैठक हुई थी। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।